अभी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम आयरन पॉइजनिंग देख लेते हैं, वरना जो मेन इसका टॉपिक है वो आएगा आगे हेपेटिक के चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझने के आयरन का सीन क्या। देखें, हमारी बॉडी जो कोई भी एलिमेंट होता है, मिसाल के तौर पर हम सोडियम को ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम का बॉडी इनटेक भी कंट्रोल करती है और इसका जो है ना आउटपुट भी कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर अगर सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो सोडियम जो है यूरिन के जरिए या किडनीज के जरिए बॉडी निकाल देती है, किक आउट कर देती है, ठीक है, यूरिन से निकाल देगी। और इनटेक को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? थ्रू इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय इनटेक, ठीक है। हम सॉरी लो इनटेक भी कंट्रोल कर रहे थे हमारी बॉडी और आउटपुट, ठीक है, आउटपुट भी कंट्रोल करी होती है। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं है। आयरन का केस जो है वो हमारे पास इन अ सेंस यूनिक है कि आयरन बॉडी में एक बार एंटर हो गया, ठीक है, तो इसका कोई आउट का सीन नहीं है अंटिल एंड अनलेस शेडिंग जो होती है एपिथेलियल सेल्स की। इसके अलावा कोई भी जो है ना आयरन बॉडी से बाहर नहीं जाता है। जो बॉडी के अंदर आएगा बस बॉडी एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकती है, वो है उसका इनटेक, ठीक है। और ये इनटेक बॉडी कैसे कंट्रोल कर रही होती है? आयरन का इनटेक बॉडी कंट्रोल करती है थ्रू इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, सही है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ, ठीक है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले आपने स्लेवरी फूड जो भी थे उससे आपके पास जो आयरन था वो आया स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर एसिडिक कन्वर्शन होने की वजह से जो F+3 था वो कन्वर्ट हो गया F+2 के अंदर, ठीक है। और F+2 जो होता है वो नेसेसरी होता है, वरना बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। सो बॉडी ने जो भी इसका बॉडी के लेवल आयरन का लेवल कंट्रोल करना है इनसाइड द बॉडी, वो करना है इन्हीं इंटेस्टाइनल सेल्स की एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है। अगर इससे पास आउट हो गया तो फिर बॉडी का निकालने का कोई बॉडी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि बॉडी ओवरलोड आयरन का निकाल सके, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न जिन लोगों को रिपीटेटिव ट्रांसफ्यूजन होते हैं जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स, तो उनका जो आयरन बॉडी में एक बार आ जाता है थ्रू RBCs वो निकाल नहीं पाती बॉडी, और वो आयरन क्रॉनिक पॉइजनिंग या क्रॉनिक ओवरलोड की तरफ चला जाता है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आयरन की एक्यूट पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना पूछते हैं और ना इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बनता है, ठीक है। आयरन, ठीक है, ये ज़्यादातर क्रॉनिक पॉइजनिंग होती है, ठीक है। आयरन का एक्यूट ओवरलोड नहीं होता है, ठीक है, क्लिनिकली इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं पहले भी ऐसा बता सकता हूँ, ठीक है। आयरन का हमेशा इशू आता है क्रॉनिक पॉइजनिंग के साथ, ठीक है, और ये हीमोक्रोमेटोसिस के साथ आता है, ठीक है, आपके पास लीवर के अंदर क्योंकि बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट में ऐसा नहीं होगा, एक्यूट में पेशेंट हुआ जो उसने आयरन की ज़्यादा टैबलेट्स खा ली, तो उसमें जो एक्यूट में सिम्टम्स आते हैं ज़्यादातर होगा कि भाई क्योंकि आयरन कॉन्स्टिपेशन कराता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आयरन जो है GI डिस्टर्बेंसेस करवा सकता है। एक्यूट पॉइजनिंग में ज़्यादा टैबलेट्स खा ली आयरन की, या इसके अलावा ग्रे और ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक्यूट पॉइजनिंग या फिर एक्यूट कोई सिम्टम्स नहीं देता आयरन, आयरन हमेशा देता है क्रॉनिक सिम्टम्स। और इसके जो क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं ये ज़्यादातर, या ये समझे कि 90% अदर सिम्टम्स जो होते हैं ये लिवर फेलियर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि ये बिल्डअप होता रहता है लिवर के अंदर अल्टीमेटली, क्योंकि बॉडी निकाल नहीं सकती ओवरलोड ऑफ आयरन को जो एक बार जिसमें आ गया, तो होता है क्या कि वो लिवर फेलियर की तरफ जा जाता है। लिवर फेलियर होगा तो आपके साथ वही वेरिशियल जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा पेनक्रियाज के अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्राउन डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गोनैड जो है वो गोनैडल एजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, ल्यूकोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। बहरहाल ये जो मेन टॉपिक है ना क्रॉनिक वाला, क्रॉनिक पॉइजनिंग वाला, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे हेपेटिक चैप्टर के अंदर। जस्ट जस्ट एन ओवरव्यू के होता क्या आयरन पॉइजनिंग के अंदर वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ट्रीटमेंट, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयरन के ओवरलोड एक्यूट आयरन पॉइजनिंग कैसे आएगा जी? आपके पास पेशेंट आया, उसने जो है ना मिसाल के तौर पर 10 टैबलेट्स जो है वो आयरन की एक साथ खा ली। अब इसमें ऐसा कोई केस नहीं होगा कि बंदा मर जाएगा या ऐसी कोई कंडीशन होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आयरन की एक्यूट पॉइजनिंग को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसने जो टैबलेट ज़्यादा खा ली उससे मैं आके, ठीक है जी। आयरन की टैबलेट्स में क्या होगा, अगर आपके पास पेशेंट आ गया विद इन 1 आवर तो आप उसका गैस्ट्रिक लवाज करोगे और आपका उसका स्टमक खाली करके उसको घर भेज दोगे, सही है। और अगर जो है वो आप सोच रहे हो कि चारकोल देना है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई क्या एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं अगर पेशेंट 1 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट किया है आपके पास, तो आंसर इज नो। वाई नो? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो रिएक्टिव
नहीं होता आयरन के साथ। आयरन इन अ सेल्फ इज इनर्ट सब्सटेंस, ठीक है, वो ज़्यादातर चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता, इसीलिए जो है वो उसको HCl की बहुत ज़्यादा हाई कंसेंट्रेशन चाहिए होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए। बहरहाल वो एक सेपरेट चीज़ है, उससे छोड़ दें, बस याद रखिएगा चारकोल जो है ना वो आयरन की पॉइजनिंग या एक्यूट पॉइजनिंग, अगर किसी ने ज़्यादा आयरन की टैबलेट्स खा ली है तो उसमें कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि चारकोल जो है वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता उसके साथ, ओनली गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है। और मिसाल के तौर पर आपके पास पेशेंट आया जी एक क्रॉनिक पॉइजनिंग के साथ, थैलेसीमिया का पेशेंट है, रेपिटेटिव आपके पास ट्रांसफ्यूजन हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो अब उसको जो है वो क्रॉनिक आयरन ओवरलोड हो गया, अब उसका लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है या एंटीडोट होता है वो होता है चिलेटिंग एजेंट्स, जैसे कि डिफ्रोक्सामाइन, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं, ठीक है, याद रखिएगा डिफ्रोक्सामाइन और ठीक है इज अ चिलेटिंग एजेंट जो कि आयरन की जो है ना एक्सक्रीशन करवाता है बॉडी से, बस इतना याद रखें, सही है। इसे इंडिकेट कब होता है जी डिफ्रोक्सामाइन देना कब होता है, या तो आपके पास सिवियर पॉइजनिंग हो, अब सिवियर पॉइजनिंग क्या होती है, जब आपके पास कोई CNS के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि ड्राउजीनेस, नर्वस, कोमा, या फिर रीनल फेलियर हो चुका हो, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा हो पेशेंट, तो आप उसको डिफ्रोक्सामाइन दो। या फिर आपको सिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टोमेटिक हो रहा है और उसका जो आयरन का लेवल है वो भी जैसे बढ़ा हुआ है, जैसे मिसाल के तौर 5 mg/L से बढ़ गया है, ठीक है, तो भी आप उसके कर देते हो। यहाँ पेशेंट जो है थैलेसीमिया का है और आपको दिख रहा है कि आयरन ओवरलोड होता रह रहा है, यहाँ आयरन बिल्डअप होता जा रहा है बॉडी के अंदर, तो भी आप डिफ्रोक्सामाइन देकर उसकी बॉडी से आयरन को एक्सक्रीट करवा देते हो, एंड दैट्स ऑल। आयरन पॉइजनिंग के अंदर यही है, इसके अलावा कोई खास चीज़ नहीं है।